आदि विकास खंड अंतर्गत आने वाले ठान संकुल के स्कूलों में विभिन्न तरह की समस्याएं व्याप्त है। इन समस्याओं के कारण स्कूली बच्चों के साथ ही शिक्षकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। स्कूलों में व्याप्त समस्याओं को लेकर शुक्रवार को ग्रामीण युवाओं ने ठान संकुल प्राचार्य कसर सिंह सोलंकी को पाटी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि ग्राम सिंधी गोखरी में संचालित शासकीय प्राथमिक विद्यालय वारती फलिया तथा ऊपरी फलिया में स्कूल भवनों की छत से पानी टपकता है, जिसके कारण विद्यार्थियों सहित शिक्षकों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। इन स्कूलों में मध्याह्न भोजन की समस्या भी बनी हुई है, वहीं पीने के पानी की व्यवस्था भी स्कूलों में नहीं है। इसके अलावा शौचालय की सुविधा भी नहीं है, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। इंदौर संभाग से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। आपका सेलाराम डावर कहाँ रहते हैं? सिंधी खुदरी में रहते हैं। अच्छा, ये जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल, यहाँ क्या समस्या आ रही है? यहाँ छत से पानी टपकता है और बच्चों को थोड़ा नॉर्मल ऐसा लगता है, डर भी लगता है, तो 2 बजे छोड़ा भी जाता है। अच्छा, और ऊपर जो टाल पत्री भी डाली हुई है उसके वजह से तब भी पानी गिर रहा है। ऐसी समस्या कब से है यहाँ पे? ये पिछले 2 साल हो गया, समझ लो पिछले साल से ऐसा हो रहा है। तो आप ग्रामीण, आप लोगों ने कभी बताया अधिकारियों की समस्या? सर ऐसे तो सर ने बताया, बोले कि हम दे रखे आवेदन ऐसे देते है, पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। और क्या समस्या है यहाँ पे? और पानी का तो यहाँ ठीक ही ठीक है, भजन में क्या ये शौचालय की सुविधा है कि नहीं यहाँ पर? शौचालय की सुविधा नहीं है सर। नहीं है यहाँ पर? नहीं है। फिर बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे का इधर उधर जा भटकते सर। तो बच्चे यहाँ रेगुलर आते हैं? कितने बच्चे आते हैं? 15 से 20 आते हैं बच्चे। अच्छा, पेयजल की क्या समस्या है? पीने के पानी की समस्या है यहाँ पर? नहीं, पीने का पानी तो समस्या तो है ना सर। क्या समस्या है? पानी पीने का ऐसा तो ये पड़ोसी में ट्यूबवेल है। अच्छा, वो पानी उपयोग कर रहे हैं। स्कूल में कोई स्कूल में पानी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पेयजल यूनिट भी नहीं? नहीं, कहीं नहीं है। ग्रामीणों ने एक आवेदन सौंपा स्कूल की समस्या को लेकर। जी, एक आवेदन दिया है उन्होंने, मुझे श्रीमान विकासखंड शिक्षा अधिकारी पार्टी के नाम से उन्होंने दिया है। तो चूंकि वो आवेदन सारे बिंदुवार लिखा है और उस समस्याओं को लेते हुए मैं इनको सीधे आज ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी को मैं पुटअप कर दूंगा और उसके समस्या के समाधान के संबंध में मैं उनसे मौखिक रूप से भी चर्चा करूंगा और लिखित से पत्र व्यवहार भी करूंगा। मध्याह्न भोजन में भी दिक्कत आ रही है, इन्होंने सर भोजन नहीं बढ़ता। जी, मध्याह्न भोजन में अभी संज्ञान में इसने आवेदन में बताया गया है हमारे आवेदककर्ताओं ने कि मध्याह्न भोजन मेनू अनुसार नहीं बनाया जा रहा है, तो हम इसको भी हम देखेंगे हमारे जन शिक्षक के माध्यम से और हम भी खुद भी जाके देखेंगे। वाकई में अगर वहाँ के समूह द्वारा मेनू अनुसार अगर मध्याह्न भोजन नहीं बना रहा होगा तो निश्चित रूप से एक बार उनके हम समझाइश भी देंगे और समझाइश के बाद भी अगर वो नेक्स्ट डे भी अगर सुधार नहीं करता है तो संबंधित के खिलाफ हम कार्रवाई प्रस्तावित कर देंगे। तो अभी स्कूलों की वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रहे हो, पानी टपक रहा है? अभी वैकल्पिक व्यवस्था स्कूलों में जहां पर पानी टपक रहा है उसको हम देख रहे हैं। समस्या हमारी है कि हमारे पास 2 या 3 रूम है या कई जगह हमारे पास 2 ही रूम है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो पानी टपकता है और रिस्क वाली छत है वहां के बच्चों को हम एक क्लास में, भले हमारे पास 1 या 2 रूम है तो हम उसमें 2 क्लास को इकट्ठी करके बिठा के भी हम शैक्षणिक कार्य को निरंतर जारी रखेंगे। और ये छत टपक रही इसको लेकर हम टेक्निकल रूप से सर्व शिक्षा अभियान के इंजीनियर या हमारे जनपद पंचायत के वहां पर भी हमारे पास इंजीनियर, उन लोगों से चर्चा करके हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। जी, शौचालय को भी स्थिति बहुत समय पूर्व बने हुए थे, बहुत सारे कई जगह जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, उसको रिपेयर कराने के हेतु हम इंजीनियरों को माध्यम से उसका मूल्यांकन करवाएंगे, कितनी राशि इसमें लगना है उस माध्यम से हम उनको प्रस्ताव भेजेंगे और उसको भी हम रिपेयर करा के सुचारू रूप से चालू करवाने का प्रयास करेंगे।